गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाँ जी, मैं रमनदीप कौर, इंस्ट्रक्टर बीसी कॉस्मेटोलॉजी फ्रॉम बाबा फरीद आईटीआई पुछो। हाँ जी, अज असी इस वीडियो दे विच आईब्रोज बारे गल करांगे। जिवें कि असी पहला गल कर चुके हैं कि किस किहड़े किहड़े तरीके नाल असी आईब्रोज की शेप बना सकते हैं, तो इस विच असी आईब्रो विद ट्वीजिंग जां प्लकिंग बारे गल करांगे। जिवें असी पहला दो वीडियो दे विच वैक्सिंग ते थ्रैडिंग बारे गल कर चुके हैं, तो इस दे विच असी आईब्रोज नूं ट्वीजर जां प्लकर नाल किस तरह करना उहदे बारे गल करांगे। थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर ट्वीजिंग जां प्लकिंग, तो इस विच असी सब तो पहला जिवें तुहानूं दस्सिया कि वर्किंग ट्रिशन ते जिहड़ा समान असी कंप्लीट करना है, वह सारे टूल्स समान जो भी है साडे कोले असी कंप्लीट करके रखांगे। तो उस दे विच सानूं की चाहिदा है, टैलकम पाउडर, कॉटन ट्वीजर जां प्लकर, आईब्रो ब्रश, आईब्रो पेंसिल एंड मॉइस्चराइजर जिहड़ा असी एट लास्ट ते अप्लाई करना। तो इस तरह जिहड़ा ये समान है साडे कोले सारा, असी जिहड़ा टोटल टूल्स ने साडे कोले, ये सारे असी वर्किंग स्टेशन ते प्रैक्टिकल शुरू करन तो पहला कंप्लीट कर लेने आ, तां जो सानू जो भी असी अपना कोई प्रैक्टिकल प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे हैं जां करदे समय सानू किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना आवे। तो करना किस तरह है, सब तो पहला आईब्रो की शेप नूं चंगी तरह आपां चैक करांगे, उन्हूं ब्रश करके जिहड़े एक्सट्रा हेयर होणगे, लोंग हेयर होणगे, उन्हां दी असी प्रॉपरली एक सार कटिंग करांगे। तो आईब्रो की शेप तो मैं पहला भी दसा सी कि जे कि तुहानूं कोई दिक्कत होवे, परेशानी होवे कोई भी, तुसीं तां उसकी जिहड़ी शेप है पेंसिल दे नाल आउटलाइन दे विच उसकी जिहड़ी शेप है तुसीं बना सकते हो। तो उस तो बाद तुसीं आईब्रो नूं चंगी तरह ब्रश करके उन्हां नूं कटिंग करके ट्वीजिंग जां प्लकिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो तुहाडी जिहड़ी स्किन है तुसीं इस नूं ड्राई भी रख सकते हो, तां जो जिहड़े तुहाडे वाल आ चंगी तरह मतलब ट्वीजर दे विच आ सकन। तो एक ट्वीजिंग जां प्लकिंग करते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि तुसीं एक समय एक ही वाल रिमूव करना, क्योंकि इक्को समय ज़्यादा एक तो ज़्यादा वाल कढ़न नाल तकलीफ आएगी तो स्किन भी ज़्यादा रेड हो जाएगी, जिस नाल कि तुहानूं स्किन की जिहड़ी है स्वेलिंग की प्रॉब्लम भी आ सकती है। इस तरह तुसीं जिहड़ी लाइन आईब्रो पेंसिल दे नाल क्रिएट की है, आउटलाइन की है, आईब्रोज़ के नाल नाल आईब्रो की शेप के नाल नाल बनी हुई लाइन के बाहरली साइड तुसीं जिहड़े एक्सट्रा हेयर आ रिमूव कर देने। इस तरह वन बाय वन हेयर तुसीं ट्वीजर जां प्लकर नाल रिमूव कर देने आ। तां उसनूं जो भी तुसीं ब्रश करोगे जां कॉटन नाल साफ करोगे तो तुसीं उसनूं साफ करते रहना है, तो आईब्रोज़ की शेप नूं चंगी तरह चैक करते रहना है। फ्रंट टू बैक तक आईब्रो की शेप नूं चंगी तरह चैक करो, सारे हेयर नूं रिमूव करन तो बाद आईब्रोज़ नूं ब्रश करके उन्हां दी कटिंग करो। इस तरह तुसीं फ्रंट तो भी जेकर कुछ क बरीक वाल रह जाते हैं जिहड़े बहुत ज़्यादा लाइट होंदी है, बहुत ज़्यादा लाइट ग्रोथ होंदी है, हल्की होंदी है जां छोटी होंदी है, उसनों तुसीं चंगी तरह स्किन नूं ब्राइट करके स्किन दे विचों लाइन दे बाहर तों रिमूव कर सकते हो। इस तरह आईब्रो की शेप नूं तुसीं सारी आईब्रो नूं प्लक जां ट्वीजरिंग करन तो बाद चंगी तरह क्लीन करो अते आईब्रोज़ की शेप नूं चैक करो। इस तरह तुसीं दोनों आईब्रोज़ की शेप नूं जिहड़ी प्रॉपर एक सार शेप दे देनी आ, ते आईब्रो की शेप नूं चैक कर लेना है कि वह दोनों सेम है। तो इस दे विच जिहड़ियां सेफ्टी प्रिकॉशनज़ ने मैं उन्हां बारे गल करदी कि जिहड़ियां असीं ट्वीजिंग दे समें आईब्रो नूं ट्वीजिंग करन समें किहड़ियां गल्लां दा किहड़ियां सावधानियां दा ध्यान रखना है। सब तो पहलां साडे कोले यू नीड ए हाई क्वालिटी पेयर ऑफ ट्वीजर, तुहाडे कोले जिहड़े वधिया क्वालिटी दे ट्वीजर आ जिहड़े ओह ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਈਬ੍ਰੋਜ਼ ਜਾਂ ਆਈਬ੍ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਪਲੱਕ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਟਵੀਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕੋਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਲੱਕ ਦਾ ਹੇਅਰ ਵਨ ਬਾਈ ਵਨ ਵਿਦ ਪਲੱਕਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੇਅਰ ਪਲੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵਾਲ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੇ ਆ। ਚੈੱਕ ਦਾ ਆਈਬ੍ਰੋ ਸ਼ੇਪ ਬਿਫੋਰ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਟਵੀਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਆਈਬ੍ਰੋ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵੀਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਟਵੀਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰੈਡਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਆਈਸ ਕਿਊਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਟ ਲਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਨ ਐਨ ਆਈਸ ਕਿਊਬ ਓਵਰ ਯੂਅਰ ਆਈਬ੍ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰਿਡਿਊਸ ਦਾ ਰੈਡਨੈਸ। ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਡਨੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਈਸ ਕਿਊਬ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਸਿੰਪਲੀ ਅਪਲਾਈ ਸਮ ਸਕਿਨ ਮਾਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਮਾਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆਈਬ੍ਰੋਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।